दोस्तों, हीर रांझा और लैला मजनू की तरह ही एक और अधूरी अमर प्रेम कहानी है मालवा के राजा बाज बहादुर और रूपमती की। राजा बाज बहादुर ने 1556 से 1561 तक मालवा पर शासन किया था। एक बार राजा बाज बहादुर का काफिला साजापुर जिले के तिगंजपुर गांव से गुजर रहा था, तब राजा के कानों में मधुर आवाज सुनाई दी और जब राजा ने वहां पर जाकर देखा तो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने मधुर आवाज में गीत गा रही थी। उस लड़की का नाम था रूपमती। रूपमती की मधुर आवाज और सुंदरता पर राजा बाज बहादुर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने रूपमती से अपने प्यार का इजहार कर डाला। रूपमती ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और राजा बाज बहादुर और रूपमती दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। बाज बहादुर रूपमती को अपनी पत्नी बनाकर मांडू के राजभवन में ले आए। रूपमती की सुंदरता की खबर धीरे धीरे दिल्ली में बैठे मुगल शासक अकबर के कानों तक पहुंची। जब रूपमती की सुंदरता के बारे में सुना तो अकबर ने यह तय कर लिया कि वह रूपमती को अपने हरम में रखेगा। अकबर रूपमती को अपने हरम में रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने सेनापति आदम खां को राजा बाज बहादुर के पास भेजा और रूपमती को उसके पास भेजने को कहा। आदम खां जब राजा बाज बहादुर के पास गया और अकबर का यह पैगाम राजा बाज बहादुर को सुनाया तो राजा बाज बहादुर ने इसे नकार दिया। बाज बहादुर रूपमती से बेहद प्यार करते थे। उन्हें यह भी पता था कि इसका अंजाम बेहद ही भयानक होने वाला है। यह जानते हुए भी बाज बहादुर ने रूपमती को अकबर के पास भेजने से इनकार कर दिया। बाज बहादुर के इनकार करने पर अकबर को बेहद गुस्सा आया और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। अपने सेनापति आदम खां के नेतृत्व में मालवा पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना भेज दी। अकबर की विशाल सेना के आगे बाज बहादुर की सेना कब तक टिक पाती। बाज बहादुर की हार हुई और बाज बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आदम खां रूपमती को लेने महल की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ जैसे ही रूपमती को बाज बहादुर की गिरफ्तारी की खबर मिली तो रूपमती ने अकबर के हरम में जाने की बजाय जहर खाकर अपनी जान देना उचित समझा और जहर खा लिया। अकबर के कानों तक रूपमती के मरने की खबर जैसे ही पहुंची तो इनके अमर प्रेम के बारे में जानकर अकबर ने रूपमती का शव हाथी पर रखवा कर सारंगपुर मंगवाया और रूपमती के गांव तिगंजपुर में रूपमती का मकबरा बनवाया और उस पर लिखवाया शहीद वफा, अर्थात वफादारी में बलिदान देने वाली। कुछ समय बाद अकबर की कैद में बैठे बाज बहादुर ने अकबर से अपनी पत्नी के मकबरे पर जाने की इच्छा जताई। अकबर ने उन्हें इजाजत दी और सारंगपुर भिजवाया। सारंगपुर पहुंचते ही राजा बाज बहादुर ने रूपमती की कब्र पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अकबर ने बाज बहादुर की कब्र भी रूपमती के पास ही बनवाई और उस पर लिखवाया आशिक साजिद, अर्थात सजदा करने वाला आशिक। बाद में यहाँ दोनों की कब्र पर अकबर ने एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। इस प्रेमी जोड़े की कब्र को भी सुकून नहीं मिला और इस पर आसमान से दो बार बिजली गिरी और यह मकबरा टूटकर दो भागों में अलग हो गया। दोस्तों, राजा बाज बहादुर और रूपमती के अमर प्रेम ने अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अकबर को भी अपनी गलती पर बेहद ही पछतावा हुआ। राजा बाज बहादुर और रूपमती के प्यार की कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।